मेहरबान कदरदान, माय नेम इज़ रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग। कर चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ फूड वे फैमिली रेस्टोरेंट में। देख सकते हो अब ये बोर्ड लगा है, अभी ये अंडरग्राउंड में थोड़ा नीचे है और चलेंगे फटाफट इसके अंदर। थोड़ा रिव्यू देने वाले हैं, क्या क्या टेस्ट रहेगा, क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे, मेन्यू दिखाएंगे और इंटीरियर दिखाएंगे थोड़ा सा आपको। और चलिए फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर और काफ़ी ये अच्छे से मेंटेन किया गया है, साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान रखा गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छा है और छोटी सी जगह में काफ़ी प्यारा बनाई है। यहाँ पे जो भी ऑर्डर करेंगे वो खा के आपको यहाँ का टेस्ट बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और यहाँ पर बैठते हैं वही। तो ये है यहाँ का मेन्यू, इसे ओपन करते हैं फटाफट। ये फूड वे फैमिली रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी कुछ अवेलेबल होगा, फुल एसी, फ्री वाईफाई भी है यहाँ पे। तो अब इसको ओपन करेंगे, देख सकते हैं आप ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और मैंने भी एक चीज़ और पता की थी कि सारी चीज़ें क्या अवेलेबल होंगी, क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं जो कुछ ही चीज़ें एट अ टाइम दे पाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ का मेन्यू, चॉकलेट, उसकी कॉस्ट क्या क्या है ये भी बता ही देता हूँ आपको। तो बटर स्कॉच शेक जो है ये देख सकते हैं आप, वो 100 रुपीज़ का है और चॉकलेट शेक भी 100 रुपीज़ का है। बाकी इसके अलावा शेक्स की बात करें तो वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ये सारे शेक्स भी आपको मिल जाएंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हॉट एंड कोल्ड में, वेज सूप्स हैं, मेड इन चाइना में, मतलब चाइनीज़ आइटम्स आ रहे हैं, वेज स्नैक्स वगैरह सभी कुछ है। मैंने मेन्यू आपको दिखाई दिया है और अब मैं इसे टेस्ट करूँगा फटाफट। ये भैया है हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। भैया चंद्रपाल जी हैं, भैया आप रामपुर के रहने वाले हैं जी? अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 7-8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए, काफ़ी पुराने वर्कर हैं यहाँ के। और अभी हम इसे ट्राई करेंगे और बताएंगे कि ये कैसा है। तो चलिए फटाफट, ये है चॉकलेट शेक, देख सकते हैं आप, नैपकिन से इसको रोल किया हुआ है और काफ़ी अच्छा, ताकि हाथ वगैरह गंदा ना हो। अब इसे हम फटाफट ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। वाकई भाई मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, रिचनेस आ रही है स्वाद में। अभी हम इसे फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। A few moments later. So guys, काफ़ी अच्छा था ये चॉकलेट शेक। तो मैंने बटर स्कॉच शेक तो पिया है पहले और स्ट्रॉबेरी भी मैंने ट्राई करा है, शायद मुरादाबाद में शायद ट्राई करा था एक बार। और बाकी जो है ये मुझे चॉकलेट शेक पसंद आया, वैसे काफ़ी अच्छा था। और आ सकते हो, और अभी मैंने और चीज़ें इसलिए ट्राई नहीं करी क्योंकि अभी टाइम का इशू है, अभी मुझे एक जगह और जाना है और ऐसी मतलब टाइम को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर ले, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आरकेसी ब्लॉग्स। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, मेरा बिल्कुल ही मत जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहता हूँ।